हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। ये आपकी इससे रिलेटेड सेकेंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में भी अपन ने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज एक न्यूमेरिकल लेंगे जो आपका थोड़ा बड़ा है, बट इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पहले आ चुका है, तो इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या लैंग्वेज गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल गिवन है जिसका रेजिस्टेंस फिल्ड विद 0.1 mkcl सॉल्यूशन, तो कनेक्टिविटी सेल होगा तो उसमें लेड फिल करेंगे, इज 100 ओम। दैट मींस एक कनेक्टिविटी सेल है जिसमें केसीएल फिल कर रखा है, कितनी कंसंट्रेशन का, 0.1 m कंसंट्रेशन का। उसका रेसिस्टेंस कितना ऑब्टेन हुआ, 100 ओम। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेल वही है, व्हेन फिल्ड विद, जब इसमें अपन क्या करते हैं, 0.02 mkcl, तो अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन चेंज कर दी, इज 520 ओम। अपने कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज की तो यहां पे अपने पास भी क्या आ गया, 520 ओम रेसिस्टेंस ऑप्टेन हो गया। क्लियर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स अपन को मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, 0.02 mkcl सॉल्यूशन की। क्लियर। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 kcl सॉल्यूशन इज 1.29 sim/cm². दैट इज क्लियर। तो यहां पे अपने पास में देखो दो केस गिवन है, एक तो कंडीशन गिवन है किसके लिए, फॉर 0.1 mkcl सॉल्यूशन वाला जो कनेक्टिविटी सेल है। सेकंड कंडीशन है 0.02 mkcl सॉल्यूशन जो फिल कर रखा है वो वाला सेल है। तो अपन दोनों को लेंगे और अपना जो फाइनली है मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.02 mkcl सॉल्यूशन अपन को यहां पर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो देखिए इसमें केस फर्स्ट लेते हैं अपन, इसमें ये आपका सॉल्यूशन है, राइट, गिवन कंडीशन देखिए, फर्स्ट फॉर 0.1 mkcl सॉल्यूशन है बेटा, 0.1 kcl सॉल्यूशन, 0.1 mkcl सॉल्यूशन कंडीशन क्या गिवन है, यहां पर देखो आर गिवन अपने पास में, कितना गिवन है, 100 ओम। क्लियर, कोई डाउट है। और इसी के लिए देखो बेटा नीचे नीचे वाली लाइंस में, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 mkcl सॉल्यूशन इज, दैट मींस यहां पर क्या गिवन अपने पास में, कप्पा गिवन है, तो कप्पा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.29 sim/cm². क्लियर, कोई डाउट है, नहीं है तो देखिए यहां पर अपन वी नो दैट कप्पा इज इक्वल टू सी टू एक्स, राइट, जहां पर सी क्या है, कंडक्टेंस जो कि सीक्वल होता है 1/r, एक्स क्या है आपका, सेल कॉन्स्टेंट, क्या है, सेल कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहां से अपन इसको रिमूव करेंगे क्योंकि अपन क्या गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, राइट, तो 1/r इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, कप्पा इंटू आर, वैल्यू पुट अप करो, कप्पा की वैल्यू कितनी है, 1.29 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 100, तो यहां पर x आ गया अपने पास में 1.29 cm². क्लियर, x इज द सेल कॉन्स्टेंट, और मैं आपको क्लियर कर चुका कि सेल कॉन्स्टेंट इज सेम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज इन सेम सेल, यहां पे गिवन है आपका सेम सेल, तो सेल आपका एक यूज कर रखा है, तो उसके लिए अपने पास में x इक्वल टू l अपॉन a, दैट मींस आपका लेंथ बिटवीन द डॉट एंड द
क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, अपन टू टाइम्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन राइट। तो यहाँ पर ये जो एक्स अपन ने फाइंड आउट किया है इसको अपन सेकेंड कंडीशन में यूज करेंगे, इसके लिए 0.02 एम के लिए राइट। तो यहाँ पे अपन ने इससे अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए 4.02 एम KCl सॉल्यूशन वाला जो सेल है उसके लिए अपन को कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट मींस कप्पा की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ कप्पा की वैल्यू गिवन थी तो अपन ने क्या कर लिया, एक्स फाइंड आउट कर लिया। अब जो सेकंड केस लेंगे 4.02 एम KCl सॉल्यूशन वाला, वहां पे कप्पा फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ एक्स, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस भी अपन को गिवन है, और उस कप्पा को अपन का यूज कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी में। क्लियर? तो देखिए इसमें सेकंड कंडीशन अपन लेंगे यहां पर वो क्या है, कंडीशन नंबर टू में 4.02 एम सॉल्यूशन राइट। तो यह गिवन क्या है, उसके लिए सी गिवन है, सी यहाँ पे यूज आएगा अपने पास में 0.02 एम, दैट मीन्स मोल पर लीटर, इसको लिख सकते हैं अपन कंसंट्रेशन यहाँ पर अपने को मोल लीटर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सी को अपन किस फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ पर, कंडक्टेंस की फॉर्म में, तो मोलरिटी इक्वल टू 0.02 मोल पर लीटर। क्लियर? इस वाले सेल के लिए अपन को जो रेसिस्टेंस है आर इक्वल टू वो गिवन है 520 ओम। क्लियर? राइट, आर गिवन है अपने पास में, एक्स अभी अपन ने फाइंड आउट किया था 129 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर बोथ सेल, सेम फॉर बोथ सेल राइट। आपकी लेंथ और एरिया चेंज नहीं हो रहा, इसलिए एक्स दोनों के लिए सेम यूज है। अब यहां पे वही इक्वेशन आते हैं, वी नो दैट कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, और सी इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, 1/r, तो यहां से जाएगा अपने पास में कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एक्स। क्लियर? तो यहां पे अपन कप को फाइंड आउट करना है, तो कप्पा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखो 129/520 राइट। तो अपने पास में यहां पर जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जीरो पॉइंट जो आंसर आएगा वो देखिए टेस्ट में 0.48 सिमोन सेंटीमीटर राइट, 0.248 सिमोन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी वैल्यू आएगी अपने पास में, कप्पा की वैल्यू आएगी। अब फाइनली अपन को क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल दैट इज 0.02 एम KCl सॉल्यूशन जो फिल कर रखा है उस सेल के लिए अपन यहां पर क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। बेटा इसके लिए देखिए बेटा आप आगे मोलर कनेक्टिविटी में फाइंड आउट करनी है, तो यहां से अपन आगे चलेंगे तो फॉर्मूला देखो क्या यूज करेंगे मोलर कनेक्टिविटी के लिए, दैट इज द लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन मोलरिटी, कप्पा अपॉन मोलरिटी। If kappa given in Simon centimeter inverse, then we use 1000. Clear? Given है. तो यहाँ पे जगह अपने पास में lambda m is equal to kappa के लिए रखो 0.248 right m की वैल्यू क्या given है देखो into 1000, मतलब ये आपका जो मोल पर लीटर है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें चेंज हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में राइट। तो यहां पर अपन रखेंगे 0.02 राइट, तो यहां पर लैम्डा एम इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 124 × 10^2 सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सिमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दैट इज द
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल इन सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट इज क्लियर। तो ये आपका टू कंडीशन में अपन को न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है। दोबारा इसको एक्सप्लेन कीजिए। फोर 0.1 एम के लिए अपन ने पहले क्या किया, एक्स फाइंड आउट किया, राइट। जो एक्स है वो बोथ कंडीशन में यूज किया, तो अपन ने 0.02 के लिए कप्पा गिवन नहीं था, कप्पा फाइंड आउट किया, उस कप्पा को यहाँ यूज किया और अपन ने फाइनली क्या ऑप्टेन कर लिया, लैम्डा एम, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर बेटा? तो ये आज के लिए इतना ही। इसमें आपको दोनों क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में, मैंने आपको SW में कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, उनको आप सोल्व करना, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकली कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस का जो मेजरमेंट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है। इसमें मैंने आपको नोट डाल रखा है, इससे व्हीटस्टोन ब्रिज राइट। तो ये वन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी फॉर द गिवन सेल, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।